डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के कैसे करते हैं वो चीजें कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए, ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया रहे कि ये सब चीजें ऐसी होती हैं। वन मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ये है, पहली प्रॉपर्टीज कि ए का अगर बी के साथ करोगे और बी का ए के साथ करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम आए। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव है या नहीं है वो चीज़ें मैं पहले नंबर तो आपको बता देता हूँ है या नहीं है, फिर बाद में आप मल्टीप्लिकेशन कोई नंबर रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और हम करके भी देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ए है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टीज ए है जिसका मैट्रिक्स जो है, मान लो ये जैसे इस तरीके से है, ए आई जे है और इसका एम इंटू एन है, और मान लो बी जो है वो इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, जैसे बी आई जे है और उसका n इंटू पी है, और जो c है वो मान लीजिए कि c है आई जे है और वो है p इंटू क्यू है। तो ध्यान देना कि इसका जो ये वाला कंडीशन होगा a b c, मान लो ऐसे है और इक्वल टू a b पहले कर लिया फिर c से कर रहे हैं, तो जब भी ऐसे प्रॉपर्टीज अगर होगा, ध्यान से देखिए, देखिए पहले इसमें लास्ट में क्या था, n है तो इसमें फर्स्ट आ गया, और इसमें लास्ट में p था तो इसके साथ ये कि ये, तो यहाँ पे p आ गया, तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट होता है तो ये इक्वल होगा। ये चीज़ें ध्यान में हमें देखनी पड़ती है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ कॉन्सेप्ट मतलब इसका जो कॉलम है इसका रो होना चाहिए, इसका जो कॉलम है इसका रो होना चाहिए, तब जाके ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तब ये मल्टीप्लिकेशन होगा और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रखेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या रखेगा, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है तीसरा जो बता रहा हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, इसमें भी एक पहला देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे है, ए का बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ए बी और यहाँ पर ए सी, इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो दोनों बराबर आ जा रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला है कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर बताया था कि इसका रो, उसका कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, उसका कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इसी में दूसरा देख लीजिए, अगर ऐसे दिया है a प्लस बी दिया है और उसका c के साथ कर रहे हैं तो पहला a का c के साथ हो जाएगा फिर दूसरा b का c के साथ हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है। और एक चौथा जो है वो इस प्रकार से है, मान लीजिए कि कोई a दिया है, मान लीजिए कोई a दिया है इस तरीके का ए आई जे और m इंटू एन है, और B जो दिया है B I J और ये जो कॉन्सेप्ट बताता है N इंटू पी दिया है, तो अगर ऐसा भी अगर आता है जैसे कि A B मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर ट्रांसपोज है तो B पे ट्रांसपोज इंटू A पे ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब इसके सेम आएगा। ध्यान देना यहाँ पर, ऐसे कंडीशन पे ये राइट होगा, ऐसे कंडीशन पे ये राइट होगा, A इंटू B पर ट्रांसपोज कर रहे हो जो वैल्यू आ रही है सेपरेट, पहले बी पे ट्रांसपोज यहाँ लिखो, ए पे ट्रांसपोज यहाँ पे लिखो और मल्टीप्लिकेशन करो तब जाके ये करेक्ट आएगा। ध्यान देना, इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देने की बात है, पहले बी फिर ए आएगा ट्रांसपोज में अगर करते हैं तो। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इन चार प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, ठीक है। और जो मैट्रिक्स के मैंने टाइप्स बताए थे जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स में बताया था ना, मैं इसीलिए अलग अलग टाइप्स को यहाँ पर लेकर भी बता रहा हूँ। यूनिट मैट्रिक्स आपको बताया था, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स उसको आई से इंडिकेट भी करते हैं, इस प्रकार से हो, इसके जो डायगोनल है ना ये अगर 2 बाय 2 का है तो इस तरीके का होगा,
अगर 3/3 के, इसको आई टू बोलते हैं, इसको आई थ्री अगर है ना तो इस तरीके का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसका डायगोनल देखो 1 है, बाकी सब जगह पे 0 0 है, तो ये आई थ्री हो गया। अगर आई फोर हो तो, आई फोर हो तो कैसे लिखेंगे, आई फोर होगा तो आई फोर मतलब यहाँ पर देखो 1 1 2 3 0, फिर बाद में यहाँ पे 0 1 2 0, फिर यहाँ पे 2 0 के बाद 1, फिर यहाँ पे 3 0 के बाद 1। देखिए डायगोनल में 1 है, डायगोनल में 1 है, बाकी सब जगह पे प्लेस 0 है, तो ये क्या है 4 × 4, 4 ए रेशियो है, ये 3/3 का रेशियो था और ये 2/2 का रेशियो था। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ें पॉइंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से होती है। ओके, समझ में आ गया। फिर उसके बाद से स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी बता चुका हूँ, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसमें जैसे कोई 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो आ जाता है, जैसे इस तरीके का कोई मैट्रिक्स दिया है, ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने कोई नंबर है 1 की जगह पे कोई नंबर आ गया, कोई अदर नंबर आ गया, तो ये 5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5i3 आ गया। ठीक है, देखो 5 का i3 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरीके से आ जाता है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सब मैं ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस अगर इस तरीके से पूछते हैं तब कैसे करोगे। ठीक है, अभी 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 मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, बोला है इफ़ ए इक्वल टू, ये दिया है 1 2 3 दिया है और 4 5 6 दिया है एक, ठीक है, एंड बी दिया है, बी क्या दिया है देख लीजिए, 1 2 2 1 1 2 ऐसे दिया है। ठीक है, देन बोला है कि देन फाइंड ए बी एंड बी ए, दोनों को अलग अलग बोला है फाइंड आउट करने के लिए, और आपको बताया कि हम फाइंड आउट करके, और ये पहला जो क्यूमुलेटिव बताया था वो प्रॉपर्टीज, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये 2/3 के ऑर्डर में है और ये देखिए 3/2 के ऑर्डर में है, तो इसका जो कॉलम था इसके रो के बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए मैं करके बताता हूँ, पहले तो ए बी करते हैं, लिख लेता हूँ मैं, ए बी में क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 है और बी क्या है, ये है 1 2 2 1 1 2, यही है, और मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बताया है क्या करते हैं, इसमें क्या करना होता है, पहले का रो पहले का कॉलम, तो 1 × 1 हो गया, फिर प्लस 2 × 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 3 × 1 है, 3 × 1, देखिए इसका मैंने इसके साथ किया, इसका मैंने इसके साथ किया और इसका मैंने इसके साथ किया, यही तो मैंने किया है और दोनों सबको ऐड कर लिया है, यही मैंने किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे पहला रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम इधर आएगा 1 का 2 के साथ, 1 × 2 प्लस यहाँ पे 2 × 1 2 × 1, मतलब ये रो का इस कॉलम के साथ कर रहा हूँ, फिर 3 × 2 प्लस 3 × 2 हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बाद में ये वाला रो पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 4 × 1, फिर 5 × 2, फिर प्लस 6 × 1 है, फिर यहाँ पे 4 × 2 प्लस 5 × 1, फिर प्लस 6 × 2, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए, आगे लिखिए, यहाँ पे 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 × 2 2 2 × 1 2 3 × 2 6 हो गया, यहाँ 4 × 1 4 5 × 2 10 6 × 1 6 यहाँ पे 4 × 2 8 फिर ये 5 × 5 ये 6 × 2 12, ये देख रहे हो, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 4 × 1 5 5 × 3 8 यहाँ पे 2 × 2 4 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया, यहाँ पे ऐड करोगे तो 25 आ गया, तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ए बी का आ गया। वही सेम आप बी ए का करेंगे, देखिए बी ए, बी ए अगर करोगे तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 2 2 1 1 2 ये था, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 था, मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है, देखिए इसका रो 2 है, कॉलम 2 है, तो इसका कॉलम रो आपका 2 हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं फटाफट। पहले का रो देखिए 1 2 है, इसका कॉलम 1 4 है, तो 1 का 1 के साथ 1 × 1 और प्लस 2 × 4। फिर दूसरे का 1 × 2 और प्लस 2 × 5 हो गया। फिर तीसरे का तो 1 × 3 और प्लस 2 × 6 हुआ। फिर बाद में दूसरा रो और ये पहला कॉलम देखो, ये क्या होगा 2 × देखते जाइए आराम से, 2 × 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 × 4 हो जाएगा। फिर बाद में 2 × 2 और 1 × 5। फिर बाद में 2 × 3 और प्लस 1 × 6 हो जाएगा। फिर बाद में थर्ड वाला, थर्ड यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक तो 1 और 2 है रो, और इसमें 1 4 2 5 3 6 ऐसे करोगे तो पहले का करोगे तो 1 × 1 और प्लस 2 × 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 × 2 और प्लस 2 × 5। फिर बाद में देखोगे 1 × 3 है और प्लस 2 × 6 है। अगर ये चीज़ें देखोगे ना तो देखो यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 4 4 4, यहाँ पर कर लीजिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिए फटाफट। सॉल्यूशन करेंगे देखिए क्या आ रहा है, ये 1 का 1 और यहाँ पे 2 का 4, 4 2 जाए 8 होगा, ये 2 1 जा 2 और ये 4 1 जा 4, ये 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे 1 2 जा 2 और ये 2 5 जा 10, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया और यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और ये 12 हो गया, ये 2 3 जा 6 और प्लस 6, यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ 2 6 जा 12 हो गया। अब इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए आया 3 बाई 3 में, यहाँ 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे बी ए इधर कुछ वैल्यू आया है और ए बी कुछ और वैल्यू आया था। ए बी आप देखोगे तो 2 बाई 2 ऑर्डर में आया, ए बी जो देखोगे तो 2 बाई 2 ऑर्डर में आया, और बी ए जो देखो तो 3 बाई 3 ऑर्डर में आ गया, तो दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से इक्वल भी नहीं है, लेकिन बोला भी नहीं था कि इक्वल आपको पता करना है, तो ये क्यूमुलेटिव जो प्रॉपर्टीज बताया था वो तो आपका यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये बता रहा है कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करो, आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके लिए ये ईजी हो सकता है, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 बाई 3 ऑर्डर लेके करो, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको मल्टीप्लीकेशन करने आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन आप करके और जितने भी ऑर्डर का हो वो आप मल्टीप्लीकेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। करते जाएंगे आपको आइडिया मिलते जाएगा, करेंगे तभी आइडिया मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं आइडिया मिलेगा। तो ये सब करते जाइए, कुछ और इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करके, सेपरेट सॉल्व करके और निकाल भी सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।